Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will discuss about principles of design. In previous video, हमने elements of design पर discuss किया था. In this video, हम principles of design के बारे में discuss करेंगे. नाटा के exam में element and principle of design के ऊपर काफी questions आते हैं. फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको काफी डिटेल में स्टडी करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक पिक्चर रहेगा, उसमें आपको एलिमेंट्स पूछा जाएगा या फिर प्रिंसिपल पूछा जाएगा. इस पिक्चर में कौन सा प्रिंसिपल आपको दिखाई दे रहा है. एमसीक्यूज जो रहेंगे, जो ऑप्शन रहेंगे, वो काफी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसमें डिटेल में स्टडी होना काफी जरूरी है. तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन. The principle of design and how to use them. The principles of design are the rules a designer must follow to create an effective and attractive composition. The fundamental principles of design are: first, balance; second, contrast; third, emphasis; fourth, hierarchy; fifth, repetition; sixth, unity and harmony; seventh, movement and rhythm; and the last, proportion. So these are the principles of design. अब इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं विद एग्जाम्पल. फर्स्ट, बैलेंस. नेवर फॉरगेट दैट एवरी एलिमेंट यू प्लेस ऑन अ पेज हैव अ वेट. द वेट कैन कम फ्रॉम कलर, साइज और टेक्सचर. यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, बैलेंस हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ओके, कलर के थ्रू, साइज के थ्रू एंड टेक्सचर के थ्रू. जस्ट वेट, जस्ट लाइक यू वुडंट पुट ऑल फर्नीचर इन वन कॉर्नर ऑफ ए रूम, यू कांट क्राउड ऑल योर हैवी एलिमेंट्स इन वन एरिया ऑफ योर कंपोजिशन. ओके, सो कुछ इस तरीके से रूम का काफी अच्छा एग्जाम्पल है. हम कभी भी फर्नीचर अरेंज करते हैं तो सब एक ही तरफ अरेंज नहीं करते हैं, हमें सभी दूर बैलेंस करके रखना पड़ता है ताकि हमारा रूम प्रॉपर दिखे. तो इन फर्स्ट इमेज आप देख सकते हैं किस तरीके से बैलेंस प्रॉपर सिमेट्रिकल क्रिएट किया है. इसमें शेप के थ्रू भी बैलेंस दिख रहा है हमें, कलर के थ्रू भी बैलेंस दिख रहा है, प्लस टेक्सचर के थ्रू भी कलर बैलेंस दिख रहा है. तो नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं, कॉन्ट्रास्ट. Contrast is what people mean when they say design pops. It comes away from the page and sticks in all memory. Contrast create space and difference between elements in your design. So contrast कैसे create होता है, इसमें different element होता है. In first image you can see किस तरीके से अपोजिट कलर्स दिखाए गए हैं, ये फ्लावर्स हैं. तो आप यदि कलर व्हील देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर अपोजिट कलर आप देख सकते हैं. इन सेकेंड इमेज हम शेप्स के थ्रू यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है. सर्कल के बिल्कुल अपोजिट एंड कलर के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर स्क्वायर है, तो कुछ इस तरीके से हम कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं, एम्फेसिस. डिड दैट गेट योर अटेंशन. दिस इज व्हेन अ स्पेसिफिक एलिमेंट गिवन टू अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर टू सेपरेट इट फ्रॉम अ सर्टेन एलिमेंट और ग्रुप. दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू अदर प्रिंसिपल्स सच एज कॉन्ट्रास्ट, मूवमेंट, स्केल और बैलेंस. एम्फेसिस कैसे कैसे हमें पता चल सकता है, कॉन्ट्रास्ट के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू, स्केल के थ्रू और बैलेंस के थ्रू. इन फर्स्ट इमेज यू कैन सी बैकग्राउंड पर ब्लैक एंड व्हाइट है, इन फ्रंट में जो फिश है वो बिल्कुल ब्राइट कलर में है, बोल्ड कलर में है, तो इस तरीके से ये एम्फेसिस क्रिएट कर रही है. इन सेकेंड इमेज बैकग्राउंड में जो सर्कल एंड एलिप्स आपको दिख रहे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें वैल्यू दिख रहा है हमें, लेकिन जो सेंटर में सर्कल है वो बड़ा भी है और रेड कलर में भी है, तो इस तरीके से हम आई कैच कर रहा है.
अ स्पेशल स्ट्रेस गिवन टू एन एलिमेंट टू मेक इट स्टैंड आउट. हायरार्की ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. इन डिजाइन हायरार्की कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मेनी विजुअल वेज. इट्स थ्रू द केयरफुल अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स दैट क्रिएट्स अ क्लियर हायरार्की. हायरार्की कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मेनी विजुअल वेज सच एज इन स्केल, कलर, कॉन्ट्रास्ट, स्पेस, अलाइनमेंट, शेप एंड फॉर्म. अब इस तरीके से आपको पेंटिंग दी गई होगी और इसमें हमको हायरार्की देखना है. आप देख सकते हैं जो फ्रंट में लेडी है जिसने पिंक ड्रेस पहना हुआ है वो एक क्वीन है, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट में है, वर्कर्स हैं. तो कुछ इस तरीके से हमें डिफरेंस दिख सकता है. इसमें कद के थ्रू भी हमें हायरार्की दिख सकती है या फिर जो किंग है, क्वीन है और इस तरीके से जो अलग अलग प्रोफाइल्स रहती हैं, इसके थ्रू भी हम हायरार्की को पहचान सकते हैं. इन नेक्स्ट फीचर जो वाइट पर्सन है वो हायरार्की का काम कर रहा है. यहाँ पर एक तो ब्राइट कलर, बिल्कुल वाइट कलर पहना हुआ है, इसी तरीके से उसके हाथ ऊपर है, मतलब वो जो पेंटिंग दिख रही है उसमें मर्डरर का काम भी कर सकता है, तो वो बिल्कुल अलग दिख रहा है. तो इस तरीके से यहाँ पर हम हायरार्की पहचान सकते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल बार आते हैं रिपीटेशन. रिपीटेशन वर्क्स विद पैटर्न टू मेक द वर्क ऑफ आर्ट सीम एक्टिव. द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिजाइन क्रिएट्स यूनिटी विद इन द वर्क ऑफ आर्ट. Proportion is the feeling of unity created when all part sizes, amounts or number related well with each other. Okay? So, यहाँ पर जो म्यूजिक जो पर्सन है वो वायलिन प्ले कर रहा है और कुछ इस तरीके से एक जैसा इसमें मूवमेंट दिख रहा है. ठीक है. इन सेकेंड पिक्चर जो सारस है हमें वाइट में भी दिख रहा है और सेम अमाउंट में हमें ब्लू में भी दिख रहा है. तो कुछ इस तरीके से हम रिपीटेशन पर समझ सकते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं यूनिटी एंड हार्मनी. यूनिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट दैट गिव्स एन आर्ट वर्क अ फीलिंग ऑफ वननेस. यूनिटी एंड हार्मनी आर सिमिलर बट यूनिटी इज मोर ब्रॉड. There are numerous ways to create unity in art. Some of those ways are particular to each individual artist's style. Okay? So first image में आप देख सकते हैं ये बहुत ही famous painting है. कुछ इस तरीके से painting आपको दे सकते हैं. इसमें unity भी दिख रही है और color harmony भी दिख रही है. ठीक है. In next picture इसमें clearly हमें soldiers दिख रहे हैं जिसमें हम unity clearly देख सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं मूवमेंट एंड रिदम. मूवमेंट इज हाउ द आईज मूव थ्रू आउट द कंपोजिशन लीडिंग टू द अटेंशन फ्रॉम वन एस्पेक्ट टू अनदर. दिस कैन बी अचीव बाय यूजिंग रिपीटिंग और अल्टरनेटिंग एलिमेंट और पैटर्न. हाउ ऑफन समथिंग रिपीट एंड द इंटेंसिटी ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्ट क्रिएट्स रिदम. ओके सो हम यदि हमने कभी वेव्स नोटिस किया है तो उसमें हमें मूवमेंट दिखता है. इसी तरीके से सेकेंड इमेज में आपको टेक्सचर दिख रहा है तो किस तरीके से इसमें रिदम दिख रहा है जो कर्व्स लाइंस है. तो मूवमेंट एंड रिदम में हम कुछ इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा प्रोपोर्शन है. प्रोपोर्शन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन दैट ऑर्गेनाइजेस एंड अरेंजेस देयर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स टुगेदर विद बैलेंस यूनिटी रिदम एंड एम्फेसिस. द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स इज द मेन इश्यूज इन प्रोपोर्शन व्हिच ऑफन डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेस्ट
एंड यूज्ड स्टैंडर्ड। ओके, अब प्रोपोर्शन कैसे पहचान सकते हैं हम, ये स्केल के थ्रू हमें समझ में आता है। अब कैसे, जो फ्रंट लेडी है इन फर्स्ट पिक्चर, यू कैन सी जो लेडी बैठी हुई है वो पीछे वाला जो घर है, जो हाउस है, उसके कंपैरिजन में बड़ी है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर हमें पर्सपेक्टिव दिखता है और स्केल दिखता है। इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी जो फ्रंट में लेडी है और जो बैकग्राउंड में बाकी के पर्सन है वो कैसे बड़े एंड छोटे दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम बैलेंस, यूनिटी, रिदम एंड एम्फेसिस के थ्रू प्रपोर्शंस जज कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़।